हेलो दोस्तों, दोस्तों हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग हैं घनसोली में, घनसोली से हम लोग यानी निकलने वाले हैं पंडरपुर के लिए, जो कि हमारी डिंडी यात्रा चालू हो रही है। तो दोस्तों अभी हमारा सामान जो है ना पूरा यानी कि डिक्की में शिफ्ट हो रहा है और हमारे साथ में 4-5 गाड़ियाँ हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारी डिक्की में ये सब सामान यानी कि रखा जा रहा है, टोटल सब चीज़ यानी कि राशन वगैरह जो भी है सब यानी शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ से यानी कि निकलने वाले हैं। दोस्तों रात में हमारा ना होल्ड जेजुरी में है और जेजुरी के बाद हम लोग सुबह में निकलने वाले हैं। दोस्तों हम लोग ना जेजुरी से निकल चुके हैं और जेजुरी से हमको ये 20 या 30 किलोमीटर के अराउंड जाना है। वहाँ पर यानी कि पूरा दिन जो यानी कि दिन यात्रा करने वाले हैं उन लोग को वहाँ पर छोड़ के हम लोग को वापस से यानी कि थोड़ा घूम के वापस से आने का है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यानी कि सब लोग यानी कि डिंडी यात्रा में जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही यानी कि अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर ना गवर्नमेंट भी टोटल यानी कि इन यात्रियों के लिए, इन भक्तों के लिए टोटल यानी कि अपना सुविधा सुख सुविधा वगैरह किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पर यानी कि पानी की टंकी वगैरह और वाशरूम वाशरूम सब यानी कि व्यवस्था किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी भक्त यानी कि यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए बाथरूम टॉयलेट वगैरह जितना भी है सब यानी कि यहाँ पर यानी कि सब भक्तों के लिए अरेंज किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी मात्रा में सभी भक्त यानी कि डिंडी यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग ना यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर हम लोग आगे जाएंगे और आगे देख सकते हैं हमारी जो 4-5 गाड़ियाँ और हैं सब जा रही हैं। तो ये देखिए भक्त यहाँ पर सब यानी कि जितने मावली लोग हैं सब यानी कि डिंडी यात्रा में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों अभी हमारे गाड़ी में भी जो यानी कि जितने भी भक्त बैठे हैं अभी सब लोग ये भी इसी डिंडी यात्रा में सब लोग शामिल होने वाले हैं और बगल से ट्रेन भी जा रही है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आपको दिखाते हैं यानी कि कहाँ पर हमारे, ये देखिए यहीं पर हम लोग रुकने वाले हैं और यहाँ से ही जितने भी हमारे गाड़ी के अंदर भक्त लोग हैं सब लोग यहाँ पे ही उतर के इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम भी यानी कि मस्त अपना, ये देखिए मैं भी टोपी वगैरह लगा लिया हूँ मस्त से, सभी भक्तों ने मेरे को भी टोपी दे दिया था। दोस्तों अभी हम लोग यानी कि सभी भक्त लोग को छोड़ के वापस आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैं भी साथ में जा रहा था, अभी मैं थोड़ा उल्टा साइड में आ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं इनको, अभी हम लोग 20-30 किलोमीटर पीछे जाके फिर जेजुरी से राइट लेके वापस से हम लोग इनको 30-40 किलोमीटर आगे मिलने वाले हैं। फिर वहीं पर हमारा जो खाना वगैरह का अरेंज किया गया है और रात में जो भजन का कीर्तन का जो प्रोग्राम है सब वहीं पर होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत ही, हम लोग गांव से निकल रहे हैं आगे जाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम मौसम बहुत ही यानी कि अच्छा लग रहा है और यहाँ का व्यू भी बहुत ही सुंदर और प्यारा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ सब लाइन से ही चल रही हैं। देखिए आप लोग पूरा एकदम लाइन से यहाँ का पूरा नज़ारा जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं 20-30 किलोमीटर जो आपको बता रहे थे आगे मिलने वाले जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो दोस्तों वहीं पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारी पब्लिक यानी कि बहुत सारे भक्त जितने मावली लोग हैं सब आ चुके हैं सब यहीं पर। ये देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पर सब पार्किंग में खड़ी हो गई हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का पूरा व्यू, ये रही हमारी गाड़ी। तो दोस्तों चलिए हमारा अभी प्रोग्राम चालू हो गया है तो चलिए हम लोग प्रोग्राम का आनंद लेते हैं।